सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग टर्मेक्स कमांड लिस्ट की ये अगली वीडियो है जिसमें हम लोग पूरा ट्यूटोरियल बना रहे हैं। स्टार्टिंग से बिगनर्स लेवल से लेके चलेंगे, फिर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जहां पर टर्मेक्स के अंदर जितनी भी कमांड यूज़ होती है सारी कमांड्स के बारे में आपको बताएंगे। तो ऑलरेडी दो वीडियोज़ बन चुकी है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो में भी आपको कुछ नई कमांड्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। आपको टर्मेक्स के अंदर सारी कमांड्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप एक प्रो लेवल के यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़र बन सकते हो। आपको बहुत सारी टेक्निक्स आ जाएंगी, बहुत सारी हैकिंग स्किल्स भी आपको आ जाएंगी। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको सारी कमांड्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आज की वीडियो में यही था, आप चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको टर्मेक्स की कमांड की पूरा ट्यूटोरियल्स देते हैं। सो हेलो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टर्मेक्स API के बारे में। अब आप लोग सबसे पहले यहाँ पे एक नया वर्ड सुन रहे हो जिसको बोल रहा हूँ मैं API। API क्या होता है दोस्तों, बहुत ही अगर सरल भाषा में बात करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और शॉर्टकट में बात करें कि अगर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API है और टर्मेक्स के अंदर हम लोग API जानने वाले हैं तो क्या चीज़ होगी। तो API मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपका एप्लीकेशन का इंटरफेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये किस तरीके वर्क करेगी टर्मेक्स में उसको जान लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने बताया है, जैसे मैं प्रैक्टिकल करूँगा आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करूँगी टर्मेक्स API से क्या क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। टर्मेक्स के अंदर अगर API यूज़ करेंगे तो उससे क्या क्या होगा। आप मान लीजिए आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, मान लीजिए आपकी ब्राइटनेस आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, कम ज़्यादा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप अगर यहाँ पे लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं टॉर्च ऑन ऑफ किया, ठीक है। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये आप बिना टच करे, मान लीजिए जैसे मुझे टॉर्च ऑन ऑफ करनी है तो मैं नीचे लाऊंगा स्लाइड बार को और फिर यहाँ से ऑन ऑफ करूँगा फ्लैश लाइट को, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एक कमांड लिखनी है और टॉर्च अपने आप ऑन हो जाए, मैं यहाँ पर टर्मेक्स में जाऊँ, टर्मेक्स में जाने के बाद में यहाँ पर एक कमांड लिख दूँ छोटी सी और टॉर्च अपने आप ऑन हो जाए, तो ये कैसे होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल API की मदद से हो सकता है, जिसे हम लोग टर्मेक्स के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो API को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में कुछ लोकेशंस और इसकी कुछ मतलब कहाँ पे इसको बिल्कुल पैकेज को इंस्टॉल किया जाता है ये चीज़ समझना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको कुछ परमिशन होती हैं जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में आपको परमिशन देना पड़ेगा API को, तब ये सारे फंक्शन आप एक्टिवेट कर सकते हो। और मैं बता दूँ कि जो टर्मेक्स की API है इसके बहुत सारे कमांड्स होते हैं। आज मैं आपको कुछ 5-6 कमांड्स बताने वाला हूं, फिर अगली वीडियो में 5-6 कमांड्स आपको बता दूंगा। मतलब ऐसे करके सारे कमांड्स आपको API के बारे में मिलने वाले हैं। और ये कोर्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा टर्मेक्स का कोर्स मैं बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक तैयार कर रहा हूं। ज्यादा हो गई ये बकवास, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और आपको टर्मेक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को टर्मेक्स एप्लीकेशन के बारे में पहले से नॉलेज है, क्योंकि वो हमारा कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखे हो तो आप ये वीडियो देखिए, कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ पाओ। आपने इसको डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है और जो जो मैंने पहले बताया था वो सब आपने यहाँ पर एक्टिवेट करके रखा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद में अब हम आप लोगों को API इंस्टॉल करनी होगी। अब API कैसे इंस्टॉल की जाती है, API दो तरीके से इंस्टॉल की जाएगी। एक पहला टर्मेक्स के अंदर आपको API इंस्टॉल करना पड़ेगा और दूसरा एक आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी पड़ेगी API की। वो एप्लीकेशन आपकी दिखाई तो नहीं पड़ेगी पर आपके सिस्टम में छिपी रहेगी, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और प्ले स्टोर से डाउनलोड की गई चीज़ें सिक्योर होती हैं और टर्मेक्स बहुत ही पुरानी एप्लीकेशन है और सिक्योर भी है। यहाँ पे आपको लिखना होगा टर्मेक्स TERMUX टर्मेक्स API। अब यहाँ पे आपको कुछ डाउट होगा कि टर्मेक्स एप्लीकेशन अलग है और टर्मेक्स API अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपको टर्मेक्स एप्लीकेशन जो पहले मैंने आपको ऐप डाउनलोड कराई थी उसको भी डाउनलोड करना है और उसके बाद में ये टर्मेक्स API को भी डाउनलोड करना है, ठीक है। ये दोनों अलग चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टर्मेक्स डालता भी, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ टर्मेक्स सर्च करूँ तो देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ओपन का आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पर टर्मेक्स API सर्च करता हूँ तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अब जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर छुप जाएगी, जाके हाइड हो जाएगी और ये 2.0 MB की है। अब इसको कंट्रोल कैसे करोगे, इसको कंट्रोल टर्मेक्स एप्लीकेशन की मदद से करोगे। चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद में जो जो मेथड होगा आपको सब कुछ बताऊंगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाती है उसके बाद में टर्मेक्स एप्लीकेशन आपको खोल लेना है और खोलने के बाद में यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो फिलहाल ये डाउनलोड हो रही है
और ये डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टर्मेक्स एप्लीकेशन है इसको हम लोग खोलेंगे। हो सकता है कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेता है, तो आपको एक बार रुक जाना है। अब यहाँ पे पूरी तरीके इंस्टॉल हो चुकी है। फर्स्ट बार आप एपीआई इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन कुछ मोबाइलों में थोड़ा सा रुक जाए, तो आप उसको एक बार रिस्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही कम चांसेस में ऐसा होता है जिनका मोबाइल कमज़ोर हो, नहीं तो ऐसा जल्दी होता नहीं है। और जब एपीआई सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है अब, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको टर्मेक्स के अंदर भी एपीआई को इंस्टॉल करना होगा। एक वो एपीआई थी जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करी, अब एक यहाँ पे एपीआई इंस्टॉल करने का पैकेज आता है। पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, PKG, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है अगर आपको याद हो, इंस्टॉल install इंस्टॉल, और यहाँ पे लिखना है टर्मेक्स TERMUX टर्मेक्स, और उसके बाद हाइफन का निशान, मतलब छोटा सा निशान होता है इसको, और API इतना करोगे और ये कमांड रन करी, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्मेक्स डाउनलोड, टर्मेक्स की API डाउनलोड हो रही है, ये धीरे 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 डाउनलोड होगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दो चीज़ें डाउनलोड की, एक हम लोगों ने प्ले स्टोर से API डाउनलोड करी है, और एक यहाँ पे पैकेज को डाउनलोड करा है। पैकेज को हम लोगों ने टर्मेक्स की एप्लीकेशन से डाउनलोड करा है, और API को हम लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे बहुत ही जल्दी डाउनलोड होती है, उसके बाद में मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे हो चुका है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लियर कमांड, पहले बता चुका हूँ, क्लियर कमांड किया ये स्क्रीन साफ हो गई। अब यहाँ पे आपको APT लिखना है, APT अपडेट, UPDAT अपडेट, और एंड का निशान लगाना है, फिर लिखना है APT अपग्रेड। ये इसलिए लिखा जाता है कि आपका जो सिस्टम की APT आपने जो पैकेज इंस्टॉल करा है वो अपग्रेड और अपडेट हो जाए। तो अपग्रेड UPGRAD स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जैसे ये करते हो तो ये एक बार अपने आप को अपडेट कर लेता है, अपग्रेड कर लेता है। तो ये हो चुका है, यहाँ पे पूछ रहा है यस या नो, तो वाई लिख देना यस, और यहाँ पे इसको कंटिन्यू होने देते हैं। जैसे ये हो जाएगा तो ये सिस्टम पूरा अपडेट हो जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ परमिशंस देनी है API को, और उसके बाद हम लोग कोई भी कमांड डालेंगे हमारा मोबाइल वो कमांड पे वर्क करेगा। दोस्तों क्या क्या कमांड है वो सब कुछ हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और आपको मैं जितना हो सकता है बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँ या फिर मैं आपको कुछ डिफिकल्ट तरीके से बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वो चीज़ बिल्कुल भी समझ में ना आए वो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही नहीं है। ये हो चुका है कम्प्लीट, अब हम यहाँ पर डालेंगे क्लियर कमांड CLEAR, और जैसे क्लियर लिखते हो यहाँ पे कमांड को एक्सेस करते हो स्क्रीन साफ हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिगनर्स वाली वीडियो देखना जरूरी होता है। अब चलते हैं ऐप्स, यहाँ पे सेटिंग में, और यहाँ पे सर्च करते हैं ऐप्स। आप जैसे सर्च करोगे ऐप्स तो यहाँ पे सारे ऐप्स मिल जाएंगे। ऐप्स पे जाने के बाद में आपको ऐप्स को परमिशन दे देनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट परमिशन को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पे परमिशन को सर्च करता हूँ तो परमिशन ओके। और यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे ही ऐप परमिशन के अंदर जाऊँगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता हूँ। पर आपको करना क्या है, आपको जाना है ऐप परमिशन के अंदर, और जो आपका यहाँ पे ऐप आपने अभी इंस्टॉल किया था कौन सा API वाला, टर्मेक्स API नाम से, उस पे आपको जाके सारे परमिशन ऑन कर देनी है। लाइक आपकी लोकेशन की परमिशन, मोबाइल में जितनी भी परमिशन होती कॉलिंग की, डाटा की, जो भी परमिशन होती सारी ऑन कर देनी है, तभी आपका ये फंक्शन एक्टिवेट हो पाएगा। फिलहाल परमिशन मैनेजर पे मैं जाकर इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे ऐप परमिशंस पे गया। ऐप परमिशंस पे जाने के बाद में यहाँ पे सारी सब परमिशंस पे जाने के बाद में नीचे रियली परमिशन में जाने के बाद में मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद में टर्मेक्स API पे जाकर इसको कर देता हूँ, और इसको करने के बाद में सारी यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। इतना होने के बाद में आपको यहाँ पे जितनी भी बाकी दिख रही हैं सारी, आपको लोकेशन वोकेशन जितनी भी ये सारी सेटिंग्स हैं सबकी परमिशन दे देनी है आपको टर्मेक्स के अंदर। तो टर्मेक्स API को देनी है, बाकी किसी को नहीं। ये देखिए यहाँ पे टर्मेक्स API दिख रहा है, इसको दे देनी है, टर्मेक्स API को दे दिया। और अब यहाँ पे कॉल लॉक्स पे जाएंगे, कॉल लॉक्स पे कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद लोकेशन पे जाने के बाद में टर्मेक्स API पे ऑलवेज पे क्लिक कर देना है। ये क्यों करा रहा हूँ मैं, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो टर्मेक्स API है इन सब चीज़ों पे कंट्रोल जब कर पाएगा तभी आपका फंक्शन एक्टिवेट होगा कमांड के जरिए। तो दोस्तों ये सारी मैं लोकेशन थी, और जितनी भी परमिशन है वो सारी परमिशन एक्टिवेट करने के बाद आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ।
सो गाइस ये हो चुका है, अब इसको परमिशन मैंने दे दी। अब यहाँ पर टर्मेक्स को खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले आपको थोड़ा कंक्लूजन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पर गया, जहाँ पे मैंने एक API डाउनलोड करी टर्मेक्स API नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं टर्मेक्स एप्लीकेशन खोली और वहाँ पे मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया। पैकेज किस नाम से था, पैकेज नाम देखिए PKG आपको लिखना है, सबसे पहले PKG और फिर उसके बाद में लिखना इंस्टॉल INSTALL इंस्टॉल। फिर उसके बाद में आपको लिखना है टर्मेक्स TERMUX टर्मेक्स और उसके बाद में हाइफन छोटा सा निशान देना है और उसके बाद लिख देना API ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो वो इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज। फिर उसके बाद में आपको परमिशंस पे जाना है, कहाँ पे ऐप्स पे जाने के बाद में परमिशंस में जाना है और जितनी भी परमिशंस होती हैं, कॉल की परमिशन, आपके कॉन्टेक्ट की परमिशन, आपके क्या कहते हैं लोकेशन की परमिशन, सारी परमिशन एक्टिवेट कर देनी है। और एक परमिशन होती है जिसमें मोबाइल को कस्टमाइज करने की परमिशन होती है, उसको भी एक्टिवेट कर देना है। इतना काम होने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैजिक दिखाता हूँ। सबसे पहले एक कमांड दिखाऊंगा जिसमें आप लोग अपने मान लीजिए जो मोबाइल इस फोन के अंदर पड़ी है, जो मोबाइल में बैटरी पड़ी है सॉरी, तो यहाँ पे जो बैटरी पड़ी है उसका मुझे स्टेटस चेक करना है कि इस बैटरी की हेल्थ कैसी है और बैटरी में कितना क्या है टेम्परेचर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे TER आपको MUX टर्मेक्स, फिर यहाँ पे हाइफन का निशान, फिर बैटरी BATTERY बैटरी, फिर यहाँ पे हाइफन का निशान स्टेटस STATUS स्टेटस, इतना लिखा। जैसे ही डालोगे ये देखिए मेरे बैटरी का स्टेटस आ चुका है। फिलहाल मेरी बैटरी की हेल्थ है गुड और ये 77% चार्ज है और यहाँ पे ये अभी स्टेटस में है नॉट चार्जिंग। टेम्परेचर ये दिखा रहा है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और करंट है 351, ठीक है, 351 एम्पियर। इतना यहाँ पे शो हो गया। अब नेक्स्ट कमांड दिखाता हूँ, उससे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्लियर कमांड से। नेक्स्ट कमांड है टर्मेक्स ब्राइटनेस। अब इस मोबाइल की जो ब्राइटनेस है अभी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैं इसको नीचे लाता हूँ ये जो ब्राइटनेस है इसको कम ज़्यादा कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग बिना किसी कमांड के इसको करते हैं। तो पहले मैं इसको फुल कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे टर्मेक्स TERMUX टर्मेक्स और यहाँ पे फिर उसके बाद हाइफन का निशान ब्राइटनेस BRIGHTNESS ब्राइटनेस। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप ब्राइटनेस कितनी रखना चाहते हो। तो ब्राइटनेस का लेवल कितना होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 0 से लगा के 255, मतलब जो अधिकतम होगा वो 255 होगा और जो बिल्कुल कम होगा वो 0 होगा। आप इसके बीच में रख सकते हो 150, 180 या फिर आप पूरा 200 कर सकते हो या फिर 255 तक कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले 0, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखिए धीरे से मेरी बिल्कुल ब्राइटनेस ग्लो हो गई है। हो सकता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना पता चल रहा हो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हो सकता है इतना शो ना हो। अब यहाँ पे मैं ब्राइटनेस आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल लो हो चुकी है, यहाँ पे कर्सर में आपको दिख रहा है बिल्कुल लो हो गई है। अब मैं इसको फुल करता हूँ, फुल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा TERMUX टर्मेक्स, फिर यहाँ पे लिखता हूँ ब्राइटनेस BRIGHTNESS ब्राइटनेस और उसके बाद में मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे 100, ठीक है, 100 लिखता हूँ और अब यहाँ पे देखिएगा ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ी, ठीक है, इतना बढ़ गई है ना हाफ। अब यहाँ पे 255 करता हूँ TERMUX टर्मेक्स, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस BRIGHTNESS ब्राइटनेस और उसके बाद में 255 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फुल हो जाएगी, ये देखिए पूरी तरीके फुल हो चुकी है। इसका एक फंक्शन और होता है ऑटोमेटिक वाला, तो TERMUX टर्मेक्स उसके बाद हाइफन फिर ब्राइटनेस BRIGHTNESS ब्राइटनेस और यहाँ लिख दो ऑटो, तो AUTO ऑटो, तो ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम लग जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक लगा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब देखिए मैंने फुल कर दिया था तो ये ऑटोमेटिक कम हो गई थी, आप ऑटो भी कर सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा कि आप एक कमांड डालकर अपने ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब नेक्स्ट कमांड है आप अपने कैमरे की इन्फॉर्मेशन कैसे जान सकते हो। तो कैमरे की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो सबसे पहले मैंने क्लियर किया, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया। अब कैमरे की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए TERMUX टर्मेक्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाली कमांड को रन करेंगे। रन करने के बाद में ये देखिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई ये हमारे कैमरे की इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कोई भी फुटेज आती है तो उसमें फुटेज में कितना हाइट है, कितना वेथ है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आई है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिख रही होगी, जहाँ पे सबसे पहले अगर टॉप पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ID दिखती है उसके बाद में 0 लिख के आता है, ओके।
तो यहाँ पे आईडी और जीरो ऊपर लिख के आ रहा है टॉप पे। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इस जगह पे, यहाँ पे जीरो लिखा है और आईडी बैक लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस चीज़ का भी हम लोग यूज़ करेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आईडी बैक जीरो लिख के आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे भी आईडी आपको लिख के आ रहा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे फ्रंट में लिख के आएगा, देखिए आईडी जीरो बैक लिख के आ रहा है और यहाँ पे आईडी फ्रंट में, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा उसको ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे आईडी फ्रंट में भी लिख के आएगा, आईडी वन फ्रंट में, ये देखिए वन लिखा है और ये यहाँ पे फ्रंट लिखा है। इन दोनों को आपको याद में रखना है, इससे अभी हम लोग को काम पड़ेगा। अब आपको पता चल गया कि आप अपने कैमरे की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, क्लियर करना है। अब आपको सबसे बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे, कुछ बढ़ के मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी बड़ी दिखाऊंगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग कोई फ़ोटो कैसे खींच सकते हैं, तो फ़ोटो खींचना है तो यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए लिखना पड़ेगा TERMUX टर्मेक्स और यहाँ पे हाइफन, हाइफन के बाद में उसके बाद कैमरा CAMERA कैमरा, उसके बाद में फ़ोटो PHOTO फोटो। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि बैक कैमरे से खींचना है कि फ्रंट कैमरे से। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कुछ नोटिस कराया था कि जहाँ पे जीरो लिखा था वहाँ पे बैक लिखा था, ठीक है। यहाँ पे आईडी जीरो लिखी थी वहाँ पे बैक लिखा था और जहाँ पे आईडी वन लिखी थी वहाँ पे फ्रंट लिखा था। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि फ्रंट कैमरे के लिए आईडी एक डालनी पड़ेगी और बैक कैमरे के लिए आईडी जीरो डालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे बैक कैमरे से करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हम लोग को देना होगा, हाइफन का निशान लगाया, सी लिखा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि बैक कैमरे से करना होगा तो हम लोगों को यहाँ पे जीरो और फ्रंट कैमरे से फोटो खींचना होगा तो एक डालना पड़ेगा। तो बैक कैमरे से हम लोगों को फोटो खींचना है मान लीजिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे एक सिंपल सा फ़ोटो का नाम दे देना है। मान लीजिए कुछ भी, मैं यहाँ पे TARO.JPEG आप अपना नाम भी दे सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए रखा है। और उसके बाद में कमांड को रन करना है और मेरे सामने मेज, यहाँ पे मेज पे चश्मा रखा हुआ है, उसकी फ़ोटो यहाँ पे खींच जाएगी। तो यहाँ पे परफेक्टली एक फ़ोटो खींच चुकी है, ठीक है। अभी मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट फाइल मैनेजर पे जाके देखोगे तो नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है फाइल्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जैसे इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में यहाँ पे ऐसे ओपन करना और यहाँ पे देखिए टर्मेक्स का एक अलग सा स्टोरेज दिखाएगा, यहाँ पे टर्मेक्स का। जब ये स्टोरेज दिखाएगा तो ये टर्मेक्स की स्टोरेज में आपको ये फोटो देखिए चश्मे की दिख जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं गैलरी में ओपन करता हूँ तो ये देखिए फोटो दिख रही है। पूरे यूट्यूब में किसी ने ये चीज़ को रन करके नहीं दिखाया, सिर्फ कमांड को रन किया है, फोटो किसी ने नहीं दिखाई है कि कहाँ से आपको फोटो देखनी है। अगर आप यही चीज़ डायरेक्ट फाइल मैनेजर पर जाके देखते तो आपको सोना होता, क्योंकि ये फोटो जो सेव होती है टर्मेक्स की स्टोरेज में सेव होती है, फाइल मैनेजर की स्टोरेज में सेव नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने इतनी कमांड जान ली है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो चलिए आपके सामने मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, यहाँ पे HELLO हेलो और इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया था, तो उसके लिए कमांड यहाँ पे होती है टर्मेक्स क्लिपबोर्ड गेट, तो TARMUX टर्मेक्स हाइफन का निशान देना है क्लिपबोर्ड CLIPBOARD क्लिपबोर्ड, और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको गेट लिखना है GET हाइफन का निशान देखिए गेट GET गेट लिखना है, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया था ये देखिए शो हो चुका है हेलो, ठीक है। तो इतना करने के बाद में यहाँ पे शो हो जाता है। अब आपको यही चीज़ अगर मैं दोबारा आपको करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे अब इसको जो कॉपी करूँगा वही चीज़ आएगी। मान लीजिए अभी हेलो लिख के कॉपी किया था, अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ बाई चांस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SHUBHAM शुभम मैंने लिखा और इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब यही कमांड मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ, तो TERM सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर कमांड को यूज़ करना है, तो क्लियर यहाँ पे लिखा मैंने और उसके बाद में लिखता हूँ TERMUX टर्मेक्स हाइफन क्लिपबोर्ड CLIPBOARD क्लिपबोर्ड और उसके बाद में गेट GET गेट, ओके। और जैसे ये लिखा उसके बाद में देखिए मैंने एक शुभम कॉपी किया था तो ये आ चुका है। अब हम लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड को कॉपी करना है तो वो किस तरीके होगा, तो ऐसे ही आपको एक वर्ड लिखना है टर्मेक्स, मैं आपको कमांड बता देता हूँ टर्मेक्स क्लिपबोर्ड और सेट, जैसे लिख के कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो जिस तरीके आपने यहाँ पे देखा कि कॉपी क्या करना है उसी तरीके कॉपी आप कर भी सकते हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं और वो भी कमांड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं जो नेक्स्ट कमांड बताऊँगा उसका नाम है टर्मेक्स डायलॉग, तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं CLEAR क्लियर और ये स्क्रीन क्लियर हो गई। अब इसके बाद TERMUX टर्मेक्स और फिर हाइफन का निशान, हाइफन देना जरूरी है, DI
DIALOG डायलॉग। अब यहाँ पे पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आप जो भी चीज़ लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पे टाइटल देना होगा एक आर्ग्यूमेंट के रूप में, तो यहाँ पे हाइफन टी, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा शुभम पांडे, ठीक है, तो ये मैंने लिखा। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको जैसे रन करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आपके में खुल के आएगी। अब यहाँ पे किसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे टर्मेक्स डायलॉग जो लिखा हुआ है इसका टाइटल आपको सही से देना होगा। और इसको एक बार फिर से करके देखते हैं, इस बार टाइटल सही रखेंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइटल का यूज़ किया था, इस वजह से हो सकता है पॉपअप विंडो यहाँ पे ना ओपन हुई हो। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, और यहाँ पे फिर से डायलॉग DIALOG डायलॉग, आपको स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है बिल्कुल। और फिर यहाँ पे मैंने हाइफन दिया, टी लिखा, HELLO हेलो, और यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई। आप देख सकते हो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को लिख के उसकी पॉपअप विंडो ओपन करा सकते हो। बस आपको टाइटल पे बिल्कुल सही से ध्यान देना है, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब चलिए इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड टर्मेक्स डाउनलोड। अब मान लीजिए पर्टिकुलर आपके पास कोई URL मिल गया है कोई डाउनलोड करने का, कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई भी आप मूवी, कोई ऐप, कोई भी डाउनलोड कर रहे हो उसका URL है, तो आप बिना ब्राउजर पर जाए डायरेक्ट आप टर्मेक्स से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके, यहाँ पर TRMUX टर्मेक्स लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे हाइफन का निशान देना है और डाउनलोड लिखना है, तो DOWNLOAD डाउनलोड लिखना है। और डाउनलोड लिखने के बाद में अब आपको URL देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल का URL दे देता हूँ HTTPS, और यहाँ पे कॉलन और बैक स्लैश, और गूगल का URL GOOGLE.com। इतना देने के बाद में जैसे ही आप इसको रन करोगे तो उसके बाद में ऊपर एक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैंने इसको ओपन किया और ये एक टेक्स्ट फाइल होगी, ओके। तो मैंने SPCK के अंदर ये टेक्स्ट फाइल देखिए यहाँ पे ये आ चुकी है, ये गूगल की एक टेक्स्ट फाइल पर्टिकुलर मैंने एग्जाम्पल की आपको डाउनलोड करके दिखाई। ऐसे ही आपके पास कोई URL है तो आप उससे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको मान लीजिए आपका मोबाइल, आपको ये चेक करना है कि फिंगरप्रिंट किसका लगा हुआ है आपके मोबाइल के अंदर, तो उसको कैसे चेक करोगे, तो कमांड यहाँ देनी है। सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, CLEAR क्लियर किया, और यहाँ पे लिखना टर्मेक्स TERMUX टर्मेक्स, और हाइफन फिर देना है फिंगरप्रिंट FINGERPRINT, ओके, और इसको रन किया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो देखिए ऑथेंटिकेशन हो गया है, और यहाँ पे अगर किसी और का लगेगा तो मतलब सक्सेस नहीं बताएगा। जैसे यहाँ पे अभी सक्सेस लिख के आ रहा है, अगर यहाँ पे मेरा ना लग के किसी और का लगता तो यहाँ पे सक्सेस ना लिख के आता। तीन अटैम्प्ट मिलते हैं, आप तीन बार में किसी एक बार में लगा सकते हो, अगर तीनों बार गलत हो जाएगा तो ये बता देगा कि ये फिंगरप्रिंट इस मोबाइल में नहीं लगे हुए। आई होप आपको इस सारी कमांड समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आज की वीडियो में टर्मेक्स की इतनी कमांड मैंने बताई है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आगे की कमांड बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोकेशन कैसे निकाल सकते हो, ऑडियो को कैसे प्ले कर सकते हो सिर्फ एक कमांड डालकर टर्मेक्स के अंदर। तो ये था टर्मेक्स API जो कि आपको हैकिंग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना चाहिए तभी आप हैकिंग आगे सीख सकते हो API के जरिए। क्योंकि जब तक आप किसी के मोबाइल के अंदर API इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप उसका मोबाइल हैक नहीं कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करके आप मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।